नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि जीतन राम मांझी जी कोरोना पॉजिटिव हो गए। जिस तरह से कल पटना के बड़े हॉस्पिटल NMCH में जिस तरह से 200 डॉक्टरों में से लगभग 87 डॉक्टर पॉजिटिव हुए, उसके बाद जिस तरह से आज जनता दरबार में 6 लोगों की जाँच हुई है कोरोना संक्रमित निकले, उसके कुछ ही देर बाद जिस तरह से मांझी जी ने खबर आया था, उसी वक्त मांझी जी ने बोला कि सरकार को कोरोना के मद्देनज़र जनता दरबार बंद कर देना चाहिए। मगर जिस तरह से खबर आया कि मांझी जी कोरोना पॉजिटिव हो गए, देखिए दानिश रिजवान जी क्या कुछ बोल रहे हैं। पहले देखिए, पिछले कुछ दिनों से जीतन राम मांझी जी और उनके परिवार के कुछ सदस्य सर्दी जुकाम बुखार से परेशान थे, जिसको ध्यान में रखते हुए कल उनके परिवार के सदस्यों ने सुरक्षा कर्मियों और अपने PS सेल के जो लोग हैं उनके साथ कोरोना की जांच कराई, जिसमें 18 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। उसमें से आदरणीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, उनकी पत्नी शांति देवी, उनकी बेटी पुष्पा मांझी, उनकी जो बहू हैं दीपा मांझी जी और उनके जो PS है गणेश पंडित सहित 18 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ये तमाम लोग जीतन राम मांझी जी के गांव महाकार में सेल्फ आइसोलेशन में हैं। इन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, तमाम लोग सुरक्षित हैं। तो आपने कुछ बोल रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा जिस तरह से जीतन राम मांझी को पिछले 2-4 दिनों से सर्दी खांसी थी, के मद्देनजर आज कोरोना जांच कराया। कोरोना जांच करने के बाद जीतन राम मांझी जी, उनकी पत्नी और उनकी बेटी और उनके जो पुत्र की जो वाइफ है वह भी कोरोना पॉजिटिव हुए। कुल मिला के 18 लोग जो जीतन राम मांझी के संपर्क में आए थे वह सभी लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। जिस तरह से बिहार में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है, उसी के मद्देनज़र 1 जनवरी को सभी चीज़ बंद था। अभी मैं गांधी मैदान में हूँ, गांधी मैदान अभी खुला हुआ है, मगर जिस तरह से 1 जनवरी को गांधी मैदान और भी बहुत सारे जितने भी पार्क थे, चिड़ियाघर थे, सभी को बंद कर दिया गया। उधर जिस तरह से NMCH में 87 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हुए, आज जब जनता दरबार लगाया जा रहा था, 6 ऐसे फरियादी थे जो कि कोरोना पॉजिटिव निकले। मगर बिहार की जो व्यवस्था है, जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर में लोग त्राहिमाम करते नजर आ रहे थे, जिस तरह से कोरोना का प्रकोप बिहार में बढ़ रहा है, सरकार इसको किस तरह से कंट्रोल करती है यह तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर जिस तरह से कोरोना बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के घर जा चुका है, यह भी सतर्कता जरूरी है। कोरोना से बचाव का यही मंत्र है सतर्कता। क्या बिहार में सरकार फिर से लॉकडाउन लगाने वाली है? क्या सरकार बिहार में यह विचार करेगी कि रात्रि का लॉकडाउन हो? तो इस पर हमारी खबर बनी रहेगी। मगर सबसे बड़ी खबर यह थी कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कोरोना पॉजिटिव हो गए, उसके साथ उनके परिवार के सभी सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो गए। इस खबर पर हमारी नज़र बने रहेगी। आप बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे देसी बिहार। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।